नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के कटंगी अनुभाग अंतर्गत ग्राम मानेगांव में सरकारी जमीन पर बने पक्के अतिक्रमण को राजस्व विभाग के अमले ने बुलडोजर से धराशाही कर दिया। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। तहसीलदार शैलेंद्र कुमार रॉय ने बताया कि अतिक्रमणकर्ता विक्रांत भालाधरे ने बड़े बड़े पेड़ के जंगल एरिया में अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया था, जिसका प्रकरण मेरे न्यायालय में प्रचलित था, जिन पर नियमानुसार आदेश पारित कर ही कार्रवाई की गई। विक्रांत द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं। वहीं पीड़ित विक्रांत भालाधरे का कहना है कि अतिक्रमण तोड़ने संबंधी कोई सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। मेरा नाम विक्रांत पिता विष्णु प्रसाद भालाधरे, ग्राम मानेगांव निवासी हूं मैं, जाति महार है। आपका जो ये घर था, इसको आज ही तोड़ा गया है? जी हाँ, आज सुबह ही तोड़ा गया है। क्या इसकी सूचना आपको दी गई थी तहसीलदार के द्वारा? जी नहीं। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई ये हुई सर, आकर के सीधा मैंने उनसे अनुरोध किया, सर मुझे मेरा सामान हटाने का वक्त दीजिए। उन्होंने मेरी ना सुनते हुए सीधा जेसीबी से तोड़ना चालू कर दिया गया। अंदर सामान था घर के अंदर? अंदर सामान था। किसने के सामने तोड़ने का आदेश दिया गया था? मशीन के द्वारा तोड़ाई गई? हाँ, जेसीबी मशीन द्वारा। सर आज मानेगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत अतिक्रमण तोड़ा गया सर, कोई मकान का? हाँ। क्या है उसमें? ग्राम मानेगांव में विक्रांत पुत्र विष्णु प्रसाद द्वारा अतिक्रमण करके बड़े झाड़ के जंगल में पक्का मकान बनाया गया था। उनको प्रकरण बना के उनको नोटिस दिया गया, उनका जवाब लेकर आदेश पारित करके कल उनको व्यक्तिगत जाके बताया गया कि आप इसमें अतिक्रमण हटा लें, क्योंकि आपके कारण दूसरे लोग वहां के ग्राम में अतिक्रमण फैला रहे हैं। इनके द्वारा समय देने के बाद नहीं हटाया गया। आज दिनांक को पुलिस फोर्स जेसीबी ले जाकर के उस अतिक्रमण को हटा।